इस साल नहीं सताएगी कड़ाके की ठंड। बिहार के अधिकांश जिले में छाए रहेंगे बादल। 22 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट। बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क और अधिकांश भागों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऐसी संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में तमिलनाडु तट के पास पूर्वी हवाओं में समुद्र तट से औसत 4.5 किलोमीटर ऊपर निचले स्तर की ट्रफ रेखा मौजूद है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में सुबह में धुंध छा सकती है। विभाग की माने तो एक अनुमान के अनुसार नवम्बर में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। वही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल कड़कड़ाती ठंड पड़ने के आसार थोड़े से कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 22 ऐसे शहर रहे जहां के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना के न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की 0.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही यहां का तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा वैशाली, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, मोतिहारी, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर समेत अन्य शहर के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। लगातार प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी गर्मी तो कभी ठंड का एहसास हो रहा है। ठंड के मौसम में आपको खाने पीने में स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद चीजों का चयन करना होगा। साथ ही दिन में कम से कम 40 मिनट की भी व्यायाम करें जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। कहां पर कितना दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान ये भी आपको बता दें। गया में 17.6 डिग्री, पटना में 20.4 डिग्री, औरंगाबाद में 18.9 डिग्री और वैशाली में 20.4 डिग्री सेल्सियस, बक्सर में 19.6 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें इस साल ठंड ज्यादा नहीं पड़ेगी। अधिकांश जिलों में छाए रहेंगे बादल। 22 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट है। बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और कहीं कहीं हल्के बादल भी छाए रहेंगे। विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में तमिलनाडु तट के पास पूर्वी हवाओं में समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर निचले स्तर तक की ट्रफ रेखा मौजूद है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।